छात्रों, कक्षा 12वीं के बही खाता विषय के अंतर्गत हम अध्याय 7 में अंश पूंजी लेखे के अंतर्गत आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। अंश पूंजी जो है एक कंपनी की पूंजी होती है। अंश पत्र के माध्यम से जो है कंपनी अपनी पूंजी को एकत्रित करती है। जैसे किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को लगाने के लिए एकल व्यवसायी या साझेदारी साझेदार जो है वो अपनी पूंजी का प्रयोग व्यवसाय या फर्म में करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कंपनी जो कि बड़े स्केल पर होती है, जिसकी पूंजी बहुत अधिक मात्रा में होती है, ये पूंजी जो है वो अंश पत्रों और ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी जो है प्राप्त करती है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी शब्द से आशय एक कंपनी जिसका सम्मेलन कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्ण नियम के अंतर्गत हुआ है। तो कंपनी वो कहलाती है जिसका सम्मेलन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के किसी पूर्ण नियम के अंतर्गत हुआ है। प्रोफेसर हैने ने कहा है कि कंपनी राज नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व निरंतर उत्तराधिकार एवं सर्वमान्य सार्वमुद्रा होती है। कंपनी जो है किसी भी देश के सरकार के द्वारा या उसके राजनियम के द्वारा जो निर्मित एक ऐसी संस्था है जो जिसका अस्तित्व जो है अपने स्थापना करने वाले कंपनी के संचालकों से अलग है, उसका अस्तित्व जो है पृथक है। निरंतर उत्तराधिकार अर्थात कंपनी को स्थापित करने वाले लोग यदि नहीं है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकार दूसरे के पास चला जाता है और उसकी अपनी एक सर्वमान्य सार्वमुद्रा होती है जिसके नाम से वो कंपनी पहचानी जाती है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति का अपना नाम होता है, उसका अपना कार्य करने का ढंग होता है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है, वही चीज़ें एक प्रकार से कंपनी में भी होती है। कंपनी का भी अपना एक नाम होता है, कंपनी का भी एक अपना अस्तित्व होता है और कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो क्रमशः निरंतर चलता रहता है और उसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। इसलिए कंपनी को जो है एक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। अर्थात कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक ऐसा अमूर्त उद्देश्य एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एक सार्वमुद्रा होती है और इसे शाश्वत लगातार उत्तराधिकार प्राप्त होता रहता है। तो कंपनी जो है नियमों के द्वारा निर्धारित एक ऐसी संस्था है जिसका अपना एक उद्देश्य है, वो एक स्वयं कृत्रिम व्यक्ति है और इसका जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से अलग होता है। इसकी अपनी एक आइडेंटिटी पहचान होती है, एक सार्वमुद्रा होती है और इसे शाश्वत लगातार उत्तराधिकार प्राप्त होता है, वो कहलाती है कंपनी। कंपनी की जो प्रकृति है या विशेषताएं या लक्षण, विशेषताएं सबसे पहली बात जो है कि ये राज नियम द्वारा निर्मित होती है। कंपनी का जो जन्म है वो कानून के अंतर्गत होता है, कंपनी अधिनियम 2013 जो अभी हमने बताया उसके अंतर्गत होता है और अंत भी जो है इसका कानूनी नियम के अनुसार होता है। दूसरा जो बिंदु है, कृत्रिम व्यक्ति है ये। अधिनियम के अनुसार कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, वैधानिक स्वरूप प्राप्त है, ऐसे वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति भी कहा गया है। जिस प्रकार से एक मनुष्य होता है उसका अपना एक नाम होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कंपनी जो है उसी व्यक्ति के रूप में कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना गया। फिर है प्रथक अस्तित्व। कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने अंशधारियों से अलग होता है, अर्थात संचालकों से अलग होता है। यहाँ पर जो भी अंशधारी हैं, अंशधारी जो है कंपनी में पूंजी लगाने वाले आते जाते बने रहते हैं, जबकि अंशधारी कौन है, कंपनी के स्वामी है। लेकिन यहाँ पर जो है यदि जिन अंशधारियों के द्वारा कंपनी स्थापित की गई थी यदि भविष्य में वो अंशधारी नहीं भी रहते हैं तो भी कंपनी कार्य करती रहती है, अर्थात उसका अस्तित्व जो है वो अपने अंशधारी सदस्यों से क्या है, अलग है। फिर है निरंतर उत्तराधिकार। यहाँ कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी अंशधारी सदस्य हैं कंपनी के यदि वो अंशधारी नहीं रहते हैं वर्तमान में
किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी सदैव चलती रहती है। अर्थात इसका अस्तित्व कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर सार्वमुद्रा, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जिसे हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंपनी की अपनी सील होती है, अपनी सार्वमुद्रा होती है जिसको हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर सीमित उत्तरदायित्व, कंपनी के जो अंशधारी सदस्य हैं उनका जो दायित्व है वो उनके द्वारा अंश पत्र के रूप में जो राशि दी गई है उस अंश की रकम तक सीमित होता है। अर्थात अंशधारियों ने जो अपने अंश का हिस्सा रकम के रूप में जो जमा किया है, कंपनी के प्रति जो उनकी लाइबिलिटीज है वो अंश की रकम तक ही सीमित है। फिर अंशों का हस्तांतरण, जिस प्रकार से एकल व्यवसाय में या साझेदारी में उनके हक का जो हस्तांतरण दूसरों के अंतर्गत दूसरों को नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी में जो है निश्चित शर्तों के अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। कंपनी में जो प्रारंभिक अंशधारी हैं वे अपने अंशों को भविष्य में दूसरे हितग्राहियों को वो बेच सकते हैं, अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो ये कहलाती हैं कंपनी की विशेषताएं या लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के जो विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे चार्टर कंपनी, चार्टर कंपनी कहलाती वो जो देश के राजा के द्वारा रॉयल चार्टर के अंतर्गत बनाई जाती है। इसमें कंपनी के चार्टर के अनुरूप व्यवसाय करना होता है। अर्थात कंपनी का निर्माण जो है जो देश के राजा के द्वारा या मुख्य रूप से संसद के द्वारा जो है ये कंपनी बनाई जाती है, ये चार्टर कंपनी कहलाते हैं। दूसरा है वैधानिक कंपनी, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है, इन पर संसद का नियंत्रण होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि हैं। वैधानिक कंपनी वे कंपनियां हैं जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो है विशेष अधिनियम को पारित करके बनाई जाती है और इन पर नियंत्रण जो है संसद का होता है। फिर रजिस्टर्ड कंपनियां, ऐसी कंपनियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिनका पंजीयन जो है सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में किया जाता है वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। फिर है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यहां पर जो है प्रत्येक जो कंपनी के सदस्य हैं उनका दायित्व जो है उसके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित रहता है। प्रत्येक अंशधारी अपने द्वारा लिए गए अंशों का मूल्य चुका देने पर उसका अंश पर कोई दायित्व नहीं रह जाता है। तो अंशों द्वारा जो सीमित कंपनियां हैं, यहां पर जो अंशधारी ने अपने अंश का जो मूल्य यहां तक चुकाया, जितना चुकाया है उस मूल्य तक उसका उसकी लाइबिलिटीज बनती है, उसका दायित्व बनता है। तो यहां पर प्रत्येक अंशधारी जो है अपने द्वारा लिए गए अंशों का मूल्य चुका देने पर उसका अंशों पर कोई दायित्व नहीं रह जाता, तो ये कहलाती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। इसके बाद हम देखते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित होता है, अर्थात उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अलावा भी कंपनी के नुकसान की भरपाई जो है वो उसके व्यक्तिगत संपत्ति से की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है असीमित दायित्व वाली कंपनी में कंपनी के जो सदस्य हैं उनका दायित्व तो कैसा होता है, असीमित होता है। फिर है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इस प्रकार की कंपनियों में सदस्यों का दायित्व तो पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई गारंटी तक ही रहता है। कंपनी के समापन की दशा में उनके द्वारा दिए गए अंशदान के वचन तक सीमित होता है, इसके सदस्यों का दायित्व तो समापन के समय प्रकट होता है। यहाँ पर जो है कंपनी के सदस्यों के द्वारा जो गारंटी होती है वो पार्षद सीमा नियम जो निर्धारित की गई है वहाँ तक इनकी गारंटी तक सीमित होता है। यदि कंपनी का जब भविष्य में समापन होता है तो वो अंशदान के समय जिन्होंने जितनी पूंजी कंपनी में उस समय लगाई हुई है उस वचन तक वो सीमित होता है, और ये जो है इसका दायित्व जो है जब कंपनी का समापन होता है तब स्पष्ट होता है या प्रकट होता है।
इसके बाद हम मुख्य रूप से देखेंगे प्राइवेट या निजी कंपनी। ये जो है कंपनी अधिनियम धारा 2013 की धारा 268 के अनुसार वो कंपनियां हैं जिनके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, अर्थात जो कंपनी के संचालक हैं वही कंपनी में उन्हीं की हिस्सेदारी होती है, वही कंपनी के अंश पत्रों को खरीदते हैं। आम जनता में अंशों के निर्गमित करने पर प्रतिबंध होता है, अर्थात बाहर के व्यक्ति जो है अंशों को नहीं खरीद सकते। फिर इसमें सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 2 और अधिकतम 200 हो सकती है। एक प्राइवेट या निजी कंपनी में जो है सदस्य संख्या कम से कम 2 होना चाहिए और अधिकतम 200 हो सकती है। इस बात को आप लोग अंडरलाइन करें, यहाँ पर यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि प्राइवेट या निजी कंपनी में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती, कम से कम 2, अधिकतम वर्तमान में 200 हो सकती है। यहाँ पर जो है अंशों व ऋण पत्रों को लेने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार ये वो कंपनी है जो एक प्राइवेट या निजी कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी, तो वो कंपनी जो कि प्राइवेट या निजी नहीं है। दूसरा बिंदु, एक कंपनी जो किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, अर्थात ये किसी प्राइवेट कंपनी की सहायक कंपनी भी नहीं है। तीसरा बिंदु जो है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक को भी आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक व अधिक से अधिक 15 संचालक हो सकते हैं। संचालकों की जो अधिकतम संख्या है, यदि हमें आवश्यकता पड़ती है हमें संख्या बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में हम विशेष प्रस्ताव पारित करके जो है 15 से ज़्यादा इसको बढ़ाई जा सकती है। फिर अंश पत्रों व ऋण पत्रों का निर्गमन जो है आम जनता के बीच किया जाता है। प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी में हम देखते हैं कि अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन आम जनता के बीच नहीं किया जाता। सार्वजनिक कंपनी में जो अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो आम जनता के बीच किया जाता है। फिर अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात जिन अंशधारियों ने पूर्व में कंपनी के अंश पत्रों को खरीदा हुआ है, ऋण पत्रों को खरीदा हुआ है, वो भविष्य में अपने अंश पत्र ऋण पत्रों को दूसरे अंशधारियों को वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी कहलाती जो कि प्राइवेट या निजी कंपनी नहीं है, जो किसी निजी कंपनी सहायक कंपनी की सहायक भी नहीं है, और इसमें जो न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, साथ ही 15 संचालक होना चाहिए, और यदि बढ़ाना है तो इस स्थिति में विशेष प्रस्ताव पारित करके हम बढ़ा सकते हैं। वहीं अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन जो है आम जनता के बीच में किया जाता है और हस्तांतरण पर, अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके बाद कुछ कंपनियां और हैं, जैसे एक व्यक्ति कंपनी, व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है, ये भारत का निवासी ही एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। इसमें कंपनी की चुकता या प्रदत्त पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं है एवं यह कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कार्य क्रियाएं नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति कंपनी वह कंपनी कहलाती है जिसमें सदस्य के रूप में एक ही व्यक्ति होता है और वो भारत का निवासी हो। साथ ही कंपनी की जो चुकता पूंजी है, डेब कैपिटल है, वो 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कंपनी जो है गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगली कंपनी जो है विदेशी कंपनी, भारत के बाहर समामिलित कंपनी, अर्थात जो जिसका रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो है भारत के बाहर हुआ लेकिन भारत में उसका कोई व्यवसाय के स्थान हो, अर्थात वो व्यवसाय जो है वो भारत में कर रही हो, अर्थात उसका पंजीयन जो है समामिलन जो है भारत के बाहर हुआ, दूसरे देश में हुआ है लेकिन उसका व्यवसायिक कार्यस्थल जो है वो देश के अंदर है, तो वो कहलाएगी विदेशी कंपनी। एक कंपनी समामिलित तब मानी जाती है जबकि उसका 50% चुकता पूंजी एक या अधिक भारतीय नागरिकों द्वारा धारण की गई हो। तो यहाँ एक कंपनी समामिलित तब मानी जाएगी जब उसकी जो चुकता पूंजी है वो 50% भारतीय नागरिक के द्वारा प्राप्त की गई हो या उसमें उसकी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक की 50%
हो। तो ये है विदेशी कंपनी, इसके बाद है सरकारी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका 51% से ज्यादा चुकता पूंजी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र व राज्य सरकार के पास संयुक्त रूप से ली गई है तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। अर्थात ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा हिस्सा जो है वो केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास संयुक्त रूप से हो, तो ऐसी कंपनी जो है सरकारी कंपनी कहलाती है। इस सरकारी कंपनी पर नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। क्यों? उनकी उसमें कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी का 51% से अधिक हिस्सा जो है सरकार के पास होता है तो वो कहलाती है सरकारी कंपनी। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार के कंपनियों के से अभ्यास प्रश्न है। कंपनी से आशय स्पष्ट कीजिए, दूसरा कंपनी की विशेषताओं को समझाइए, फिर कंपनी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए और पब्लिक अथवा सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं लिखिए।